नमस्कार दोस्तों, आज जो है 25 फरवरी 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। इससे पहले कि हम आगे बात करें, अगर आपको हमारी मार्केट इंसाइट्स, मार्केट कॉल्स, इकोनॉमिक इवेंट्स पे व्यूज, वॉर पे व्यू एटसेट्रा चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे डीमैट लिंक है उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफर करके हमें जो है स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और उसके बाद हम आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे तो जहां आपको ये सब जानकारी मिलेगी। अब कल जब हम रात को बात कर रहे थे तो अमेरिका की मार्केट डाउन थी लेकिन आउट नहीं थी, तो उसके बाद लेट नाइट क्या हुआ है कि S&P 500, आप ये देखें कि इतनी बड़ी हरी बार बनी है। तो जैसा मैं कह रहा था कि एक इंटरमीडिएट बॉटम बनने का चांस है, तो वो जो है कम से कम ऐसा लगता है कि S&P 500 ने बना लिया है। और अच्छी बात क्या है कि ये जो है, ये जो इसका ब्रेकडाउन लेवल था जो हम कल परसों बात कर रहे थे 4250 के आसपास, ये उसके ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो 4220 4250 एक तरह की नेकलाइन थी जिसके ऊपर ये बंद हुआ है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है S&P 500 के लिए और इसकी वजह से पूरे विश्व बाजारों के लिए। देखिए, जियोपॉलिटिक्स जो है बहुत एक लिमिटेड उसका इम्पैक्ट होता है और मेरे हिसाब से आज दिन के दौरान जो है यूक्रेन का सरेंडर हो जाना चाहिए और जो रशिया चाहता है कि वहाँ पे अपना एक प्रेसिडेंट इंस्टॉल करे, ये सारा काम जो है आज दिन के दौरान हो जाना चाहिए। अब जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी पे हमारे ये 10 और 20 एवरेजेस जो हैं अभी भी काफ़ी ऊपर हैं। कुछ 16990 पे 8 पीरियड मूविंग एवरेज है और 17200 पे 20 पीरियड एवरेज है। तो मेरे हिसाब से एक रीटेस्ट इस जोन की तरफ बनता है, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये सारा कुछ खत्म होते होते हम एक बारी 16800 900 को टेस्ट करने जाएं। तो जितनी तेजी से बाजार कल नीचे गिरे थे उतनी तेजी से रिकवरी होने का भी बहुत बढ़िया स्कोप है। सिमिलरली ब्रेंट क्रूड में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, तो जो बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन था, यहाँ भी ऐसा लगता है कि 36200 तक एक पुल बैक आ सकता है। तो जैसे जैसे बाजारों में से पैनिक जाएगा तो रैलीज भी उतनी ही शार्प होती हैं, तो इसलिए कल जो है एक लेने का अच्छा मौका था दोपहर के बाद। तो फिलहाल के लिए अगर कॉल्स की बात करें तो कॉल्स में बजाज ऑटो ले सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप है 3554 का, बजाज ऑटो बेच सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप जो है 3554 का है, टारगेट जो है 3350 के आसपास है। कोटक बैंक बेच सकते हैं, 1810 का 1860 का स्टॉप है और टारगेट है 1710 का। इंफोसिस बाय कर सकते हैं, 1660 1640 का स्टॉप है और 1720 का टारगेट है। L&T बाय कर सकते हैं, स्टॉप 1718 का है, टारगेट है 1810 का।
और हिंडाल्को बाय कर सकते हैं, 516 का, 508 का स्टॉप है और टारगेट है 535 का। अब इसमें आज क्योंकि पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, तो अगर बाजार ऊपर जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव कॉल्स लें, और नेगेटिव कॉल्स तभी लें अगर वापस डिक्लाइन शुरू हो रहा हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये अपडेट जो है आप तक 5paisa.com ने पहुंचाया, और हमें उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा जाए और बाजारों में जो पुल बैक है वो कंटिन्यू करे। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बारी राय लें।